हेलो एवरीवन, माय सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, मैंने पहले लिया है कि 3 डिजिट्स का नंबर है, तो इसका एक पैटर्न आपको याद रखना है कि पैटर्न क्या है। तो मैंने ये पोजिशन दिखाई है आपके 3 डिजिट्स, आपको किसी भी 3 डिजिट को आपने 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। नंबर आपका कोई भी 3 डिजिट का है तो ये मैंने पैटर्न दिखाया हुआ है, 1, 2, 3, ये आपकी डिजिट्स की पोजिशंस हैं ये आपका। तो आपने पैटर्न इधर से फॉलो करना है। आपका फर्स्ट है, आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने 1 डिजिट यूज करना है, जो भी कैरी ओवर होगा वो आपका नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आपने इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिर उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करना है, इसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इसके बाद आपने इन दोनों को। तो ये आपकी 5 पोजिशंस हैं, क्योंकि 2 डिजिट में आपका ये जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका कोई नंबर ही नहीं होगा। तो ये आपका पॉइंट एप्लीकेबल है, जो मैंने ये लिख दिया है ये आपका एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ दोनों 0 हो जाएंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेबल नहीं है इसमें, तो अब ये केवल रह जाएगा, तो मीन्स आपका ये 3 का हो गया। तो मीन्स इसके बाद आपका कोई पैटर्न नहीं होगा कि ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो आपका 2 डिजिट। अब देखो इसका एग्जाम्पल, आपको जी इसमें ऐसे क्लियर नहीं है, तो मैं पैटर्न पहले 2 डिजिट का लेता हूँ। तो आपने 2 डिजिट का नंबर लिया, आप कहते हो जी मुझे 29 और 99 को मल्टीप्लाई करना है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9 81 आपका आ जाएगा, 8 आपका कैरी ओवर हो जाएगा। अब उसके बाद ये पैटर्न कहता है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो ये आपका 9 to the 18 और आपका ये 81, तो ये आपका 99 हो जाता है, ठीक है। अब ये 99 होगा और आपने इसमें 8 को ऐड करना है, तो 99 और 8 आपका 107 हो जाएगा। तो अब आपका 10 कैरी ओवर हो गया है। अब आपने 9 और 2 को 18 और 10 28, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 2871 हो जाएगा, यदि आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैंने आपका 39 लिया हुआ है और आपने इसको 49 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट आपने ये पैटर्न, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, 81 आ गया, आपका 8 कैरी ओवर हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 27 है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 36 है, इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये आपका 13 और ये आपका 5 और 63 और जब आप 8 करोगे दैट विल बी 71, तो 71 का आपका 1 आ जाएगा और 7 आपका कैरी ओवर हो जाएगा ये। अब आपने 12 और 7 19, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 19 1 1। तो आप इस तरह से विद इन 20 सेकेंड्स आप इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी, अब देखो मुझे यहाँ पर ये नंबर आपका किसी नंबर का आपने 2 डिजिट का है स्क्वायर करना है, तो उसमें भी आपका देखो यूजफुल है 36 और मुझे 36 को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स स्क्वायर करना है, तो 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 36 आपका 3 कैरी ओवर हो जाएगा, 18 और 18 36 और 3 आपका 9 39 आपका 3 कैरी ओवर हो जाएगा दोबारा, और 9 और 3 12, तो ये आपका 1296 इसका स्क्वायर है। तो आपका जो 2 डिजिट है किसी भी नंबर का आपने जो स्क्वायर निकालना है तो उसमें बहुत ही आपका यूजफुल होगा। तो इस तरह से आप जो है इसमें 2 पैटर्न के नंबर, 2 डिजिट्स के नंबर। अब मैंने एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, 55 है और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 59 से, तो अब आपका 9 5 9 5 45, अब आपका 4 कैरी ओवर हो जाएगा। अब ये आपका देखो 9 45 हो गया और ये 25, दैट विल बी 70, ये आपका 70 हो जाएगा। 4 आपका कैरी ओवर था तो 74 हो जाएगा, 7 कैरी ओवर हो गया आपका। अब 25 और 7 दैट विल बी 32, तो आपका ये, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो ये। तो इस तरह से आप जो है 5 और 6 एग्जांपल्स करके देखो, विद इन 20 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।